डेली करंट न्यूज में इस वक्त की खबर है, साउथ साउथ कोऑपरेशन दिवस। हर साल संयुक्त राष्ट्र द्वारा 12 सितंबर को दक्षिण दक्षिण सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी इंटरनेशनल डे फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन के तौर पर मनाया जाता है। इसे यूएन डे फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन भी कहा जाता है। 2023 के लिए इस दिवस की थीम है सॉलिडेरिटी इक्विटी एंड पार्टनरशिप अनलॉकिंग साउथ साउथ कोऑपरेशन टू अचीव दी SDGs। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य दक्षिण दक्षिण सहयोग के महत्व को उजागर करना है। साथ ही ये दिवस 1978 में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में विकासशील देशों के बीच तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देने व लागू करने के लिए ब्यूनस आयर्स कार्य योजना को अपनाने को भी चिन्हित करता है। ये दिवस दक्षिण के क्षेत्रों व देशों द्वारा हाल के वर्षों में किए गए आर्थिक सामाजिक और राजनीतिक विकास को भी प्रदर्शित करता है। अब बात करें दक्षिण दक्षिण सहयोग की, तो ये सहयोग ग्लोबल साउथ में विकासशील देशों के बीच तकनीकी सहयोग को संदर्भित करता है। ये कृषि विकास, मानवाधिकार, शहरीकरण, स्वास्थ्य, जलवायु परिवर्तन आदि विशिष्ट क्षेत्रों में विभिन्न पहलों को सहयोग व साझा करने हेतु देशों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, निजी क्षेत्र आदि द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक उपकरण है। इसकी उत्पत्ति ब्यूनस आयर्स कार्य योजना से हुई है, जिसे 18 सितंबर 1978 को अर्जेंटीना में अपनाया गया था। ये पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में स्थित कम विकसित देशों के बीच सहयोग की एक योजना स्थापित करती है। उत्तर और दक्षिण के विभाजन की बात करें तो इसका इस्तेमाल विकसित देशों यानी उत्तर व विकासशील देशों यानी दक्षिण के बीच मौजूद सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मतभेदों को संदर्भित करने हेतु किया जाता है। हालांकि किसी देश को स्थान के आधार पर नहीं बल्कि कुछ आर्थिक कारकों व आबादी की जीवन गुणवत्ता के आधार पर उत्तर या दक्षिण के रूप में परिभाषित किया जाता है। गौरतलब है कि उत्तर दक्षिण सहयोग यानी नॉर्थ साउथ कोऑपरेशन सबसे पारंपरिक प्रकार का सहयोग है। ये तब होता है जब एक विकसित देश आर्थिक रूप से या किसी अन्य प्रकार के संसाधनों के साथ किसी कम विकसित देश का समर्थन करता है। वहीं त्रिकोणीय सहयोग या ट्रायंगुलर कोऑपरेशन की बात करें तो इसमें तीन प्रकार शामिल हैं, यानी दो दक्षिण से और एक उत्तर से।